हेलो नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट द फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की फॉर्म संख्या सिक्स्थ को पढ़ेंगे और ये है द लिरिक। ओके, ये लिरिक। तो इससे पहले हम फाइव फॉर्म्स क्लियर कर चुके हैं। द सोनेट पढ़ चुके हैं, द एलेजी पढ़ चुके हैं, द ओड पढ़ चुके हैं, द एपिक पढ़ चुके हैं, द बैलेट पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लिरिक क्या होता है। ओके, अदर वीडियोस की तरह मैंने लिरिक को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। तो द वर्ड लिरिक हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर। द वर्ड लिरिक, लिरिक शब्द हैज़ बीन ड्राइव्ड लिया गया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द लायर से लिया गया है। ठीक है, यह एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया। फ्रॉम विच वर्ड द लिरिक हैज बीन टेकन। तो ग्रीक शब्द है और कौन सा है, लायर। ओके, ध्यान रखेंगे यह कॉमा आएगा और ए स्मॉल से आएगा। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लायर। ओरिजिनली, ओरिजिनली लिरिक, और यहाँ फुल स्टॉप। और लिरिक बाज ए सॉन्ग, लिरिक एक सॉन्ग था। इन ग्रीक, ग्रीक में बिच बाज संग जो गाया जाता था, और प्लेड चलाया, प्लेड अपॉन चलाया जाता था। ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट पर, एक छोटे से स्मॉल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर कॉल्ड लायर, जिसको हम लायर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि लिरिक जो है लायर शब्द से लिया गया है, और लायर क्या है, एक छोटा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जो क्या है लिरिक, लायर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर बजाया जाता है। जिस तरह से आपने माँ सरस्वती का फोटो देखा है, उनके हाथ में एक बीड़ा है, इसी तरह का कुछ कुछ एक लायर इंस्ट्रूमेंट होता था। जिस तरह से आपने अकबर के दरबार में जैसे तानसेन वगैरह का फोटो लगा देखा होगा, फोटो देखा होगा, तो उनके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उनका एक फोटो लगा होता है, तो वो इस तरह से बजाते हैं। अब मैं आपको लाइव तो नहीं हूँ तो मैं आपको बताती, तो इस तरह से होता है। तो वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उसका नाम था क्या, लायर। और उसी लायर शब्द से ये लिरिक बना है, और लिरिक गीत जो गाया जाता है वो इसी स्मॉल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करके बजाया जाता था। ठीक है, लिरिक। अब देखेंगे डेफिनेशन, समझेंगे इसकी कि लायर, वो लिरिक आखिर क्या होता है। द लिरिक इज ए शॉर्ट सब्जेक्टिव पोएम। लिरिक जो है एक शॉर्ट सब्जेक्टिव पोएम होती है। बिच एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करती है। द पोएट्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो कवि की स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती हैं, अंदर की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करता है। इट में भी यह हो सकता है इन फॉर्म ऑफ सॉन्ग, ये फॉर्म ऑफ सॉन्ग मतलब गीत के फॉर्म में भी हो सकता है लिरिक। एन ओड, ओड के फॉर्म में भी हो सकता है। ए सोनेट, सोनेट के फॉर्म में भी हो सकता है। और ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, और एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में भी हो सकता है। सर थॉमस वाट इंट्रोड्यूस्ड लिरिक इन इंग्लैंड। सर थॉमस वाट ने लिरिक को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। ओके, क्लियर हुआ ना, यहाँ ध्यान रखेंगे सर थॉमस वाट ने इंग्लैंड में इसको इंट्रोड्यूस किया था लिरिक को। आगे चलेंगे, देखेंगे टाइप्स ऑफ लिरिक, लिरिक के टाइप्स। इट मे बी टू टाइप्स, ये दो प्रकार के हो सकते हैं या होते भी हैं, मे बी नहीं लगा के। देर आर टू टाइप्स ऑफ लिरिक। ओके, पर्सनल लिरिक्स और इम्पर्सनल लिरिक्स। पर्सनल लिरिक्स क्या होते हैं, इनको समझेंगे। पर्सनल लिरिक्स, इन पर्सनल लिरिक, पर्सनल लिरिक में पोएट शोज, पोएट शो करता है, दिखाता है हिज ओन, अपनी स्वयं की फीलिंग्स और इमोशंस को, और इमेजिनेशंस को थ्रू द लिरिक, लिरिक के द्वारा, इस गीत के द्वारा। पर्सनल लिरिक में, लिरिक के द्वारा पोएट अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, जिससे कि पर्सनल शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा। और इम्पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल लिरिक्स क्या होते हैं,
इट इज ए रिटिन फॉर सोशल ओकेशन, इनको सोशल ओकेशन के लिए लिखा जाता है, लाइक फेस्टिवल और मैरिज ईटीसी। मैरिज हो किसी की, कोई फेस्टिवल हो, इस तरह के ओकेशन के लिए इन इम्पर्सनल लिरिक्स को लिखा जाता है। ठीक है, तो पर्सनल और इम्पर्सनल दो प्रकार के होते हैं। अगर अंदर से क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज पर्सनल लिरिक और व्हाट इज इम्पर्सनल लिरिक, तो आप बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमारी लिरिक की कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाती है। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।